स्टूडेंट्स, अभी हम अपना चैप्टर 11 स्टार्ट करने जा रहे हैं. चैप्टर 11 दैट इज डिफरेंशिएशन. तो चैप्टर 11 हमारा है डिफरेंशिएशन. वैसे तो नॉर्मली डिफरेंशिएशन हमारा 12th में आता है, पर अभी थोड़ा सा आपका चेंज हो गया है, तो अप्लाइड वालों में डिफरेंशिएशन हमारा पहले आ रहा है. तो डिफरेंशिएशन हमारा वैसे तो 11th नॉर्मली आता है, उसमें हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, वो सब आता है. तो यहां पे हम डिफरेंशिएशन का कुछ पोर्शन पढ़ेंगे. अ फंक्शन इज सेट टू हैव, तो यहां पे दो टाइप के डिफरेंशिएशन होंगे. फर्स्ट इज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, सेकेंड इज राइट हैंड डेरिवेटिव. और दोनों इक्वल होते हैं तो वो वाली प्रॉपर्टीज आपके सिलेबस में नहीं है. तो सिर्फ मैं आपको क्या करा रही हूं, जो आपके सिलेबस में है, आपके टॉपिक में है. तो सबसे पहले हमारा आ रहा है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव. अ फंक्शन एफ इज सेट टू हैव अ लेफ्ट डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू सी इफ एंड ओनली इफ इज डिफाइंड इन सम लेफ्ट नेबरहुड, पास वाले में, ऑफ सी एंड इट्स डिनोटेड बाय. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को हम एल और एफ से भी वी कैन डिनोट इट. एंड एच माइनस एच इज गोज टू, ये साइन जो हमारा होता है वन साइड एरो, वो हमारा होता है गोज टू जीरो माइनस, मतलब जो भी हमें उसकी लिमिट गिवन होगी. और हमारा क्या होगा, एफ ऑफ सी प्लस में एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन में एच एग्जिस्ट. अगर ये हमारा एग्जिस्ट करता है तो हमारा क्या होता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है. उसके बाद अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है तो हम उसको क्या डिनोट करते हैं. सपोज करो एफ हमारा फंक्शन है, एफ इज इक्वल टू एक्स, तो एफ डैश ऑफ एक्स, डैश जो हमारा साइन होता है, ऊपर एक डैश वाला साइन लगाते हैं, ये वाला साइन हमारा डेरिवेटिव के लिए होता है. तो एफ ऑफ डैश एक्स हमारा क्या होगा, फॉर द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दैट इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ सी, और किस पे आ रहा है, माइनस पे. तो हम यहां नीचे डिनोट करते हैं इसको माइनस से, तो यहां पे हमारा क्या होगा, दैट इज इक्वल टू लिमिट एल एम भी लिखते हैं और कुछ जगह एल टी भी लिखते हैं. तो ये हमारा क्या होगा, एच गोज टू जीरो माइनस, माइनस मतलब लेफ्ट वाला. और फॉर्मूला हमारा क्या होगा, एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन में हमारा क्या होगा, एच होगा. तो ये हमारा क्या होता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है. इसी तरह अगर हम राइट हैंड डेरिवेटिव लेते हैं तो राइट हैंड डेरिवेटिव में हमारा क्या होगा, मतलब प्लस होगा. लेफ्ट में माइनस और राइट में हमारा क्या होता है, प्लस होता है. तो उसके लिए हमारा क्या होगा, एफ डैश प्लस हम यहां नीचे लगाएंगे ऑफ सी दैट इज इक्वल टू लिमिट एच गोज टू जीरो, और यहां हम प्लस साइन लगाते हैं, मतलब राइट वाला. लेफ्ट के लिए हम क्या लगाते हैं, माइनस वाला. और लेफ्ट के लिए हम माइनस लगाते हैं और राइट के लिए हम क्या करते हैं, प्लस साइन यूज करते हैं. तो यहां हमने माइनस यूज किया, यहां हमने प्लस यूज किया, यहां हमने माइनस यूज किया, यहां हम प्लस यूज करेंगे. फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा, एफ ऑफ सी प्लस में एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन में हमारा क्या होगा, एच होगा. तो ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया. और किसी भी क्वांटिटी का अगर हमें डेरिवेटिव निकालना है तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, उसमें ना माइनस करते हैं ना प्लस करते हैं. लेकिन जब बात होती है लेफ्ट की, तो लेफ्ट में माइनस होता है और राइट में हमारा क्या होता है, प्लस होता है. अब इसके ऊपर बेस्ड मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराती हूं. ये तो हमारा बहुत सिंपली फॉर्मूले वाला हो गया. फॉर्मूले से रिलेटेड हमारी सिर्फ फर्स्ट एक्सरसाइज है, उसके बाद हमारा नॉर्मल डेरिवेशन होगा जो बहुत इजी है और हमारा 12th में भी यूज होता है. तो फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 7 एंड वी हैव टू फाइंड एफ डैश 3. हमें क्या निकालना है, एफ डैश 3. डैश का मतलब हमारा होता है डेरिवेटिव. एंड दूसरा हमें निकालना है एफ डैश ऑफ 7 अपॉन 2.
फ्रॉम डेफिनेशन, मतलब जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई उससे, हेंस शो दैट कि हमारा ये दोनों इक्वल होंगे किसके, उसके बाद हमें शो करना है कि एफ डैश ऑफ 7/2 दैट इज इक्वल टू 2 times ऑफ एफ डैश ऑफ 3, हमें उसके बाद ये वाला पोर्शन शो करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एफ डैश 3 निकालेंगे। एफ डैश 3 निकालने के लिए हम अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एफ डैश 3 मतलब यहां h की जगह हमारा क्या आ गया, मतलब x की जगह हमारा क्या है, 3 है। तो फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा, लिमिट lim, इसको हम ऐसे लिखते हैं, लिमिट h गोज टू 0, हमेशा हमारा h क्या होगा, 0 होगा, लिमिट हमारी हमेशा किसमें होगी, 0 में होगी। तो लिमिट हमारी कहां से कहां तक है, h गोज टू 0, f ऑफ 3 प्लस h, हमारा क्या था फॉर्मूला में, x प्लस h माइनस f ऑफ x, x की जगह हमारा 3 है, तो ये हमारा क्या होगा, f ऑफ 3, और अपॉन में h होता है, h मतलब यहां पे हमारा क्या होगा, सॉरी ये मैंने 3 बाय मिस्टेक लिख दिया, तो नीचे अपॉन में हमारा क्या होता है, h। तो ये हमारा हो गया फॉर्मूला। अब यहां से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे f ऑफ 3 प्लस h, तो एफ एक्स हमारा ये दे रखा है, तो यहां पे हम 3 प्लस h निकालेंगे, इट मीन्स जहां x है वहां हम x की वैल्यू क्या रखेंगे, 3 प्लस h रखेंगे। तो यहां से हमारा क्या आएगा, तो यहां से हमारा क्या होगा, दैट इज इक्वल टू f ऑफ 3 प्लस h, तो x की जगह हम 3 प्लस h रखेंगे, तो ये हमारा क्या होगा, 3 प्लस h का होल स्क्वायर, x की जगह रखा, माइनस 5, x की जगह हम क्या रखेंगे, 3 प्लस h, तो ये हो गया हमारा 3 प्लस h, और साथ में हमारा क्या दे रखा है, प्लस 7, वो हमारा एज इट इज रहेगा, प्लस का 7, और अपॉन में हमारा क्या है h, तो h हमारा क्या रहेगा, एज इट इज, और साथ में हमारा क्या है, लिमिट का पोर्शन हमें रखना है, लिमिट h गोज टू 0। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, होल स्क्वायर खोलेंगे, पूरा सिंप्लीफाई करेंगे, इसमें हमारी एक चीज और रह गई है, ये तो हमने वैल्यू रखी f ऑफ 3 प्लस h की, अब हमें क्या करना है, माइनस f ऑफ 3, मतलब जहां जहां हमारा x है वहां वहां हम क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, तो ये हमारा क्या आया, माइनस f ऑफ 3, मतलब यहां क्या रखा, 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस का 7, यहां x की जगह मैंने क्या रखा, 3, तो x स्क्वायर था, तो यहां क्या आया, 3 स्क्वायर माइनस 5x, तो माइनस 5 ऐसे ही रहा, और x की जगह मैंने क्या रखा, 3, और प्लस का हमारा क्या आ गया, 7 आ गया। अब मैं इसको सॉल्व करती हूं, तो ये हमारा क्या हो गया, लिमिट h गोज टू 0, 3 प्लस h का होल स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करेंगे, 3 का स्क्वायर हमारा क्या हुआ, 9, प्लस h स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हमारा हो गया 6h, यहां इसको सॉल्व करती हूं, तो ये हो गया 5 3 सा 15, माइनस का 15, प्लस माइनस माइनस 5 इंटू h क्या हो गया हमारा, 5h, ये प्लस 7 हमारा एज इट इज रहेगा। अब यहां माइनस साइन है, इसको सॉल्व करूंगी, तो 3 का स्क्वायर हमारा आया 9, बाहर माइनस है तो क्या आया, माइनस का 9, माइनस 5 प्लस 3 माइनस का 15, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का 15, प्लस माइनस माइनस, और ये हमारा क्या आ गया, 7, अपॉन में हमारा क्या है, दैट इज इक्वल टू h। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो प्लस 7 माइनस 7, ये तो हमारा कैंसिल हो गया, तो यहां हमारा क्या आया, लिमिट h गोज टू 0, ऊपर का पार्ट सॉल्व कर रहे हैं हाईएस्ट पावर के अकॉर्डिंग, तो ये वाला पार्ट हो गया h स्क्वायर, फिर हम h की टर्म्स देखेंगे, तो 6h माइनस 5h, तो 6h माइनस 5h हमारा सिर्फ क्या आएगा, h आएगा, तो यहां पे क्या आया हमारा, प्लस का h, उसके बाद यहां पे हमारा क्या, माइनस 15 प्लस 15 ये कैंसिल हो गया, प्लस का 9 माइनस का 9 ये कैंसिल हो गया, तो हमारी ऑलमोस्ट सारी टर्म सॉल्व हो गई है, और नीचे हमारा क्या बचा है, दैट इज इक्वल टू h।
अब यहां से हम h कॉमन लेके हम क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, तो ये हमारा किसके इक्वल आया, लिमिट h गोज टू जीरो, h मैंने कॉमन लिया, अंदर क्या आया h प्लस वन, और नीचे हमारा क्या बचा h, h से h कैंसिल हो गया। अब लिमिट h गोज टू जीरो का मतलब ये होता है कि जहां जहां हमारा h है वहां वहां हम अब क्या रखेंगे, जीरो रखेंगे, तो यह हमारा क्या बचा, लिमिट h गोज टू जीरो h प्लस वन। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो h की जगह हम क्या रखेंगे, जीरो रखेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जीरो प्लस वन दैट इज इक्वल टू वन। तो बेसिकली हमारी h डैश मतलब जो डेरिवेशन आया उसका आंसर क्या आया, वन आया। अब हम दूसरा वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, f डैश सेवन अपॉन टू। तो यहां पे हम नेक्स्ट वाला पार्ट सॉल्व करेंगे सेम मेथड से, अब हमें क्या निकालना है, एफ डैश ऑफ सेवन अपॉन टू, एफ डैश ऑफ सेवन अपॉन टू। तो यहां हम अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फॉर्मूले में हमारा क्या था, लिमिट h गोज टू जीरो, उसके बाद हमारा क्या था, एफ डैश मतलब f ऑफ x प्लस h, तो यहां हमारा क्या आएगा, f ऑफ x हमारा कितना है, सेवन अपॉन टू प्लस में h माइनस एफ ऑफ एक्स, तो ये हमारा हो गया एफ ऑफ सेवन अपॉन टू अपॉन में हमारा क्या आएगा, एच आएगा। अब इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करती हूं तो एफ सेवन अपॉन टू प्लस एच, एफ एक्स ये था तो जहां जहां एक्स है वहां वहां मैं क्या रखूंगी, सेवन अपॉन टू प्लस एच, तो ये हमारा क्या आएगा, लिमिट एच गोज टू जीरो, यहां से हमारा आया सेवन अपॉन टू प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस फाइव इंटू सेवन अपॉन टू प्लस में एच, और प्लस का हमारा सेवन एज इट इज रहा। ये हमारा सिर्फ ये वाला पार्ट सॉल्व हुआ। अब दूसरा वाला हम पार्ट सॉल्व करेंगे एफ ऑफ सेवन अपॉन टू, तो यहां हमारा क्या आएगा, माइनस इंटू यहां जहां जहां एक्स है वहां क्या रखेंगे, सेवन अपॉन टू, तो ये हो गया सेवन अपॉन टू का स्क्वायर माइनस फाइव इंटू सेवन अपॉन टू प्लस का सेवन अपॉन में हमारा क्या है, दैट इज इक्वल टू एच। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा हो गया लिमिट एच गोज टू जीरो, सेवन अपॉन टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो सेवन अपॉन टू का स्क्वायर हो गया फोर्टी नाइन अपॉन टू प्लस में एच का स्क्वायर प्लस में टू इंटू सेवन अपॉन टू इंटू एच, तो ये कैंसिल हो गया। अब दूसरा वाला सिंप्लीफाई करूंगी तो ये हमारा हो गया माइनस फाइव सेवन जा थर्टी फाइव अपॉन टू प्लस माइनस माइनस फाइव इंटू एच फाइव एच प्लस का सेवन। अब इसको सॉल्व करूंगी तो ये हमारा हो गया फोर्टी नाइन अपॉन फोर, ये मैंने थोड़ा रॉन्ग कर दिया, ये हमारा स्क्वायर में फोर आएगा, तो यहां हमारा क्या आया, प्लस माइनस माइनस सेवन का स्क्वायर फोर्टी नाइन, टू का स्क्वायर फोर, माइनस माइनस प्लस फाइव सेवन जा थर्टी फाइव अपॉन में टू, माइनस प्लस माइनस सेवन और अपॉन में हमारा क्या रहा, एच रहा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया, थर्टी फाइव अपॉन टू प्लस माइनस, उसके बाद दूसरा हमारा कौन सा कैंसिल हो रहा है, प्लस का सेवन माइनस का सेवन, ये पार्ट हमारा कैंसिल हो गया, और 49 अपॉन 4 ये प्लस का है ये माइनस का है ये दोनों कैंसिल हो गए, तो यहां से हमारा क्या बचा, लिमिट h गोज टू जीरो, यहां से बचा h स्क्वायर, दूसरा यहां से हमारा क्या बचा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, प्लस का 7h, ये वाला हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बाकी सब हमारा कैंसिल हो गया था, यहां से हमारा बचा माइनस का 5h और अपॉन में हमारा क्या बचा है, h। तो ये किसके इक्वल है, हमारा लिमिट h गोज टू जीरो h स्क्वायर, और यहां 7h माइनस 5h हमारा कितना हो गया 2h, तो ये हमारा हो गया प्लस का 2h अपॉन में h। अब हम h कॉमन लेके यहां कैंसिल करेंगे तो यहां से हमारा क्या आएगा, लिमिट h गोज टू जीरो
एच मैंने कॉमन लिया तो यहां बचा एच प्लस टू न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में एच बचा एच से, एच कैंसिल हो गया। जब मैं यहाँ एच की वैल्यू लिमिट जो उसकी है वो मैं जीरो रखूंगी तो ये हमारा हो जाएगा जीरो प्लस टू दैट इज इक्वल टू टू। तो इसकी वैल्यू हमारी क्या आ गई, एफ डैश सेवन अपॉन टू की वैल्यू हमारी कितनी आई, टू आई। अब हमें ये वाला पार्ट प्रूव करना था तो यहां मैं रखूंगी एफ डैश सेवन अपॉन टू, तो ये हमारा कितना आया था टू, दैट इज इक्वल टू टू इंटू एफ डैश ऑफ थ्री, एफ डैश ऑफ थ्री कितना है वन, इट मीन्स टू इज इक्वल टू टू। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के, तो दोनों वाले पार्ट हमारे प्रूव हो गए हैं। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था कि आपको बेसिकली वैल्यूज कैसे सब्स्टिट्यूट करनी है, कैसे आपको लिमिट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैसे आपको डेरिवेशन निकालना है। ये हमारे डेरिवेशन का फर्स्ट फॉर्म बोला जाता है, मतलब ये हमारा डेरिवेशन का नॉर्मल तरीका है। इसके बाद जो हमारा डेरिवेशन आएगा वो हम डायरेक्ट तरीके से करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। अभी बेसिकली इस एक्सरसाइज में हमें सिर्फ यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो इसमें मैं डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन आपको कराऊंगी एंड यू हैव टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करा रही हूं। बेसिकली एक्सरसाइज के क्वेश्चन बहुत इजी है तो मैं आपको एग्जाम्पल्स ही एक्सप्लेन कर रही हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेती हूं, एग्जाम्पल नंबर टू सेकेंड पार्ट। यहां हमारा गिवन है एक्स माइनस वन और दूसरा वाला पार्ट हमें गिवन है एक्स माइनस टू। ये हमारा किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। इस फंक्शन का हमें क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है। तो डेरिवेटिव निकालने का जो हमारा फॉर्मूला था एफ डैश ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू, तो हमारा फॉर्मूला क्या था, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन में हमारा क्या था, एच था और लिमिट हमारी क्या थी, एच गोस टू जीरो। तो ये हमारा क्या था, फॉर्मूला था डेरिवेटिव निकालने का। अब यहां मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगी तो यहां पे यहां हमारा क्या आएगा, तो ये हमारा किसके इक्वल हुआ, लिमिट एच गोस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच। तो यहां एक्स की जगह जहां जहां एक्स है वहां हम क्या रखेंगे, एक्स प्लस एच रखेंगे। तो यहां हमारा क्या आएगा, एक्स प्लस एच माइनस का वन। फिर हमारा यहां पे क्या आएगा, यहां मैं एक्स प्लस रखूंगी तो एक्स प्लस एच माइनस का टू माइनस। अब यहां हम माइनस करेंगे तो यहां हमारा क्या आएगा, माइनस करने पे एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स मैं रखूंगी तो डायरेक्टली हमारी यही वैल्यू आएगी, तो वैल्यू क्या होगी, एक्स माइनस वन एंड एक्स माइनस टू अपॉन में हमारा क्या आएगा, एच। क्योंकि यहां पे हमें ये नहीं दे रखा कि एफ डैश टू अपॉन थ्री निकालो, वन निकालो, फोर निकालो, कुछ भी निकालो। यहां हमें बेसिकली क्या करना है, हमें डेरिवेटिव निकाला है उसी फॉर्म में डेरिवेटिव वी हैव टू फाइंड। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या आएगा, लिमिट एच गोज टू जीरो। इसको मैंने सॉल्व किया तो यहां पे मैं सॉल्व करूंगी तो उसके बाद मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसमें वी हैव टू मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई से पहले हम क्या करेंगे, अपने इस वाली इक्वेशन को इस वाले मेथड से भी वी कैन सॉल्व, लेकिन मैं आपको दूसरा मेथड कराती हूं। अगर यहां पे मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करती हूं तो वो इजियर होगा। तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स इंटू टू माइनस टू एक्स माइनस वन एक्स माइनस का, और ये हो गया माइनस का थ्री एक्स माइनस माइनस प्लस और टू, ये वाली वैल्यूज आ गई। तो यहां पे बेसिकली मैं क्या करूंगी, अपनी ये वाली वैल्यूज पुट करूंगी। तो दूसरा वाला फॉर्मूला आई एम नॉट गोइंग टू ट्राई, पहले वाला ही फॉर्मूला मैं अप्लाई करूंगी। तो यहां पे हमारा क्या होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, मतलब एक्स की जगह हमने क्या रखना है कि एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर। तो यहां पे हमारा क्या आएगा, एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस में माइनस थ्री एक्स, तो यहां आएगा माइनस थ्री इंटू एक्स की जगह हमें क्या रखना है, एक्स प्लस एच
प्लस का टू, तो ये हमारा फर्स्ट वाला हो गया एफ ऑफ एक्स प्लस एच वाला। उसके बाद हम नेक्स्ट वाला करेंगे माइनस एफ ऑफ एक्स, तो माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स में हमारी ये वाली टर्म सेम आएगी, तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस पहले ऐसे लिख देती हूं एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस का टू अपॉन में हमारा क्या आएगा एच। करने को तो हम प्रीवियस मेथड से भी वी कैन सॉल्व दैट क्वेश्चन, पर वो थोड़ा सा हमारे लिए टिपिकल पड़ेगा इसलिए मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो ये हमारा हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में टू एच एक्स, ये हमारा माइनस साइन से खोलेंगे तो ये हो गया थ्री एक्स माइनस का थ्री एच प्लस का टू, यहां से खोलूंगी तो ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस का टू अपॉन में हमारा कितना आएगा एच। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करती हूं तो माइनस टू प्लस थ्री एक्स माइनस, सॉरी ये हमारा एज इट इज रहेगा माइनस थ्री एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा कैंसिल हो गया, तो यहां से हमारा क्या बचा लिमिट एच गोज टू जीरो, यहां से हमारा बचा एच स्क्वायर ये वाली टर्म, यहां पे हमारा बचा टू एच एक्स प्लस का टू एच एक्स ये वाली टर्म हो गई, यहां से हमारा बचा माइनस का थ्री एच और अपॉन में हमारा क्या बचा एच। अब मैं एच इसमें से कॉमन लेके कैंसिल करूंगी तो यहां से हमारा क्या आएगा लिमिट एच गोज टू जीरो, एच कैंसिल करूंगी तो यहां हमारा बचा एच, यहां हमारा बचेगा टू एक्स, यहां हमारा बचेगा माइनस का थ्री। अब मैं एच की वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगी तो ये हमारा क्या हो जाएगा एच की जगह जीरो रखना है जीरो प्लस टू एक्स माइनस थ्री, तो आंसर हमारा क्या आया टू एक्स माइनस थ्री, तो ये हमारा क्या हो गया डिफ्रेंशिएशन हो गया। उसके बाद मैं नेक्स्ट टाइप पे चलती हूं अपने अगले क्वेश्चन पे, अब मैं थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन ले रही हूं जिसमें हमारे डिनोमिनेटर में भी कुछ होता है, तो यहां पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पल फोर का पार्ट है 2x प्लस थ्री, एफ एक्स को हमारा गिवन है 2x प्लस थ्री अपॉन में x माइनस टू, ये हमारा क्वेश्चन है एंड वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। जब भी हम इस मेथड से सॉल्व करते हैं तो ये हमारा कौन सा मेथड होता है फर्स्ट प्रिंसिपल, दिस मेथड इज कॉल्ड द फर्स्ट प्रिंसिपल। उसके बाद हम डायरेक्ट मेथड पे चलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तो फर्स्ट प्रिंसिपल से जब भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोला जाता है तो हम लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट हमें वहां पे सब्स्टिट्यूट करनी पड़ती है, तो यहां हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या होगा लिमिट एच गोज टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन में एच, ये हमारा कौन सा हो गया फॉर्मूला हो गया फॉर द फर्स्ट प्रिंसिपल, तो ये हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला हो गया। अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहां एफ एक्स हमारा ये था, अगर x की जगह मैं x प्लस एच रखती हूं तो जहां जहां x है वहां मेरे को क्या रखना पड़ेगा x प्लस एच, तो यहां हमारा क्या आएगा लिमिट एच गोज टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच मतलब टू इंटू एक्स प्लस एच प्लस में थ्री माइनस एफ ऑफ एक्स मतलब हमें सॉरी पहले मैं पूरा सॉल्व करूंगी, डिनोमिनेटर वाला पार्ट रह गया, नीचे हमारा एक्स है एक्स की जगह हमें क्या रखना है एक्स प्लस एच और साथ में हमारा क्या है माइनस टू माइनस एफ ऑफ एक्स, तो एज इट इज वैल्यू आएगी टू एक्स प्लस थ्री अपोन में एक्स माइनस टू और अपोन में हमारा क्या होता है एच होता है। अभी मैं इसको सॉल्व करूंगी तो ये हमारा हो गया लिमिट एच गोज टू जीरो टू इंटू एक्स टू एक्स प्लस टू इंटू एच टू एच प्लस का थ्री अपॉन में एक्स प्लस एच माइनस का टू, यहां से हमारा आया माइनस का टू एक्स प्लस थ्री अपॉन में एक्स माइनस टू और अपॉन में हमारा क्या है दैट इज इक्वल टू एच। अब यहां पे मेरे को क्या करना पड़ेगा वी हैव टू टेक द एलसीएम, जब हम एलसीएम लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा लिमिट
एच गोज टू जीरो, इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगी तो ये हमारा थोड़ा सा लंबा होगा बट इट्स ओके। तो यहां से हमारा क्या होगा, जस्ट वेट, आई एम गोइंग टू थिंक सम स्मॉलर मेथड। कोई स्मॉलर मेथड है नहीं तो जस्ट वी हैव टू मल्टीप्लाई। तो यहां से मैं इसको करूंगी तो ये हमारा हो गया 2x प्लस 2h प्लस में 3 और इसके साथ हमारा क्या आएगा x माइनस 2 माइनस में 2x प्लस 3 और इसके साथ ये वाला पार्ट आएगा x प्लस h माइनस का 2 और अपॉन में हमारा क्या रहेगा h रहेगा। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस। तो यहां से जब हमें इसको सिंप्लीफाई करूंगी तो 2x इंटू एक्स, तो ये तो हमारा क्या होगा लिमिट h गोज टू जीरो, 2x इंटू एक्स टू एक्स स्क्वायर, 2h इंटू एक्स प्लस का 2hx प्लस में 3x, माइनस 2 से करूंगी माइनस 4x माइनस 4h माइनस 6। अब मैं इसको करूंगी तो ये हमारा हो गया माइनस साइन से करूंगी तो 2x इंटू एक्स माइनस का 2x स्क्वायर, 2x माइनस का 2hx, इसको इससे करूंगी तो माइनस माइनस प्लस 2 2 4x। अब 3 से करूंगी तो ये हो गया माइनस का 3x माइनस का 3h प्लस का 6 और अपॉन में हमारा क्या रहा h रहा। तो ये हमारा क्या हो गया लिमिट h goes to 0। अब यहां हमारा क्या कैंसिल हो रहा है, 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर, 2hx 2hx, फिर माइनस 4x प्लस 4x, फिर हमारा क्या आया और क्या हो रहा कैंसिल, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, माइनस का 6 प्लस का 6। अब बाकी को अगर मैं सॉल्व करती हूं तो ये प्लस का 3x और माइनस का 3x ये कैंसिल हो गया तो सिर्फ हमारा क्या बचा माइनस का 4h और माइनस का 3h। तो ऊपर हमारा क्या आया माइनस का 7h अपॉन में h, h से h कैंसिल हो गया तो यहां हमारा क्या आया लिमिट h गोज टू जीरो ऑफ माइनस 7। अब यहां h है ही नहीं तो वी कांट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ h, तो हम h की वैल्यू भी नहीं रखेंगे, h है ही नहीं तो हम लिमिट रखेंगे क्या, तो सिर्फ आंसर हमारा क्या आएगा दैट इज इक्वल टू माइनस 7। तो दिस इज डिनोमिनेटर वाला पार्ट हमारा छूट गया है, यहां पे हमारा साथ में क्या था h इंटू एक्स प्लस एच माइनस 2 और x माइनस 2, यहां भी हमारा क्या था x प्लस एच माइनस 2 और साथ में क्या था x माइनस 2, यहां भी हमारा क्या आएगा h जो हमारा था तो h के साथ में हमारा क्या आएगा इसको आई एम गोइंग टू राइट अगेन। तो ये हो गया h इंटू एक्स प्लस एच माइनस 2 और साथ में क्या आ गया x माइनस 2। तो यहां से जब मैं h को जीरो रखूंगी तो डिनोमिनेटर वाला पार्ट में यहां पे h से h तो हमारा कैंसिल हो गया, यहां हमारा क्या बचा x माइनस 2 x माइनस 2, तो यहां हमारा क्या बचेगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो आंसर में भी हमारा क्या आएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा बेसिकली क्या आ गया आंसर आ गया कि जहां जहां h था वहां वहां हमने क्या किया जीरो सब्स्टिट्यूट किया। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हो गए बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल। अब हम आते हैं नॉर्मल क्वेश्चंस पे, तो ये हमारी एक्सरसाइज 11.1 कंप्लीट होती है, उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं दैट इज 11.2। उसमें इससे बहुत ही इजी जो हमारा होता है करने का मेथड वो हमारा होता है डायरेक्ट मेथड, कि हम डेरिवेटिव को क्या करते हैं डायरेक्टली सॉल्व करते हैं, ये हमारा क्या था दिस इज कॉल्ड अवर फर्स्ट प्रिंसिपल। तो डायरेक्ट मेथड के लिए फर्स्टली आई एम गोइंग टू राइट सम फॉर्मूलास। तो सबसे पहले कि डिफरेंशिएशन को हम डिनोट कैसे करते हैं डायरेक्ट मेथड में, डी बाय डी और एक्स क्या होता है जिसमें हमारा फंक्शन होता है, सपोज करो वाई में फंक्शन है तो हम क्या लिखेंगे डी अपॉन डी वाई।
तो सपोज करो कि हमारा फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू सी, मतलब हमारा फंक्शन किस में दे रखा है, एक्स में दे रखा है, सी इज द कॉन्स्टेंट, मतलब एक्स वाली टर्म हमारे यहाँ पे क्या है, जीरो। तो किसी भी कॉन्स्टेंट टर्म का अगर हमें डेरिवेटिव वी हैव टू फाइंड, तो आंसर हमेशा क्या आता है, जीरो आता है, दैट इज इक्वल टू जीरो। dy by dx of any constant function, constant मतलब जिसमें हमारा variable नहीं होता है, मतलब x, y, z कोई भी term नहीं होती, just हमारे पास क्या होता है, constant होता है, like 1, 2, 3, 4 और कोई भी number। तो dy by dx of any constant number उसका क्या होता है, answer हमेशा zero होता है। constant term का differentiation हमारा always किसके equal होता है, zero के equal होता है। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूले पे चलते हैं, फॉर्मूला नंबर टू, dy by dx मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ x दैट इज इक्वल टू 1। अगर हमें x का डिफरेंशिएशन निकालना है तो उसका आंसर हमारा क्या आता है, 1 आता है। ये हमारे फॉर्मूलेस हैं और ये आपको यू हैव टू रिमेम्बर और ये आपको आगे बहुत यूजफुल है। तो अगर हमारे वी हैव टू फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, तो एक्स का डिफरेंशिएशन हमारा क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 1। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मूला है दैट इज dy by dx ऑफ x की पावर n। अगर सपोज करो यहां पे तो हमारी x की पावर 1 थी, सिर्फ x हमें गिवन है, तो यहां उसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 1 हो गया। लेकिन अगर यहां पे पावर में है x का जो टर्म्स है दैट इज इन द पावर, तो हम उसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं, कि पावर को हम आगे रखते हैं, तो पावर हमारी क्या थी n, तो n को आगे रखा, और x की पावर उसमें से एक हमेशा माइनस करते हैं, वी हैव टू सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम द पावर। तो यहां से सपोज करो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, तो सपोज करो वी हैव टू फाइंड dy by dx ऑफ x की पावर 5, तो n की जगह हमारा क्या आ गया, 5 आ गया। तो फॉर्मूले में हमारा क्या आएगा, पावर हम पहले लिखेंगे, x की पावर जो भी पावर हमें गिवन होगी उसमें से 1 माइनस करेंगे, तो ये क्या होगा, 5x की पावर 4। तो जो भी पावर होती है उसे हम पहले लिखते हैं और पावर में से हम क्या करते हैं, 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो वो हमारा क्या आता है, डिफरेंशिएशन आता है। तो ये हमारे फॉर्मूले हो गए। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूला नंबर 4, उसमें हमारा क्या है कि सपोज वी हैव अ फंक्शन कि हमारा एफ एक्स हमें गिवन है, ए एक्स प्लस बी की पावर एन, कि यहां पे तो हमारा सिंपली क्या था, सिर्फ एक्स ही था, तो हमने उसका डिफरेंशिएशन निकाला। अब सपोज करो एडिशन या सब्ट्रैक्शन में हमारा कुछ गिवन है, तो हम इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो यहां एफ डैश ऑफ एक्स, अब मैं एक चीज और बताती हूं कि dy by dx लिखूं या f dash of x लिखूं, दोनों ही हमारा क्या होता है, सेम चीजें होती है, इसका मतलब भी डिफरेंशिएशन होता है, इसका मतलब भी क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है। तो when we have to find f dash of x or we can write dy by dx, तो यहां हम क्या करेंगे, इसको पहले वाले फॉर्मूले की तरह करेंगे कि पावर हमारी आ गया ही इंटू ए एक्स प्लस बी, उसके बाद हम क्या करेंगे, पावर में से 1 माइनस करना होता है, तो ये क्या हो गया, एन माइनस 1। और उसके बाद हम क्या करते हैं, जो भी टर्म हमारी ब्रैकेट में गिवन होती है उसका हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। तो हमारा टर्म क्या है, ए एक्स प्लस बी, तो ए एक्स में ए तो एज इट इज रहेगा, कॉन्स्टेंट टर्म है, और एक्स का डिफरेंशिएशन हमारा क्या होता है, 1, तो हम क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करते हैं 1, प्लस में हमारा बी का डिफरेंशिएशन, बी इज द कांस्टेंट, और कांस्टेंट का हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था कि किसी भी कांस्टेंट टर्म का इफ वी हैव टू फाइंड द डिफरेंशिएशन, तो आंसर हमेशा हमारा क्या आता है, जीरो। तो यहां क्या आएगा, 1 प्लस 0 हमारा क्या होता है, 1, और उसको किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो आंसर यहां से हमारा क्या आया, एन इंटू ए एक्स प्लस बी की पावर एन माइनस 1, सॉरी यहां 1 नहीं आएगा, यहां ए आएगा, ए इंटू 1, तो साथ में हमारा ए आया, उसको मैंने यहां पे लिखा। तो यहां से इसका डिफरेंशिएशन क्या आया कि पहले हमें पावर का करना है, पावर हमारी आगे आएगी, फिर हमें सेम टर्म लिखनी है, पावर में से वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 1,
उसके बाद हमें ब्रैकेट के अंदर का डिफरेंशिएशन करना है, तो ए हमारा एज इट इज रहेगा, एक्स का डिफरेंशिएशन हमारा 1 आएगा, बी कॉन्स्टेंट है तो बी का डिफरेंशिएशन हमारा क्या होगा, 0 होगा। तो वो हमें सिंप्लीफाई करके वैल्यूज पुट करनी होती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारी कुछ प्रॉपर्टीज है, तो अब हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन की। तो एलजेब्रा ऑफ द डेरिवेटिव्स, तो अगर हम एलजेब्रा पढ़ते हैं डेरिवेटिव का, तो यहां पे हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी गिवन है, इफ एफ इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन एट एक्स एंड जी, इज द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ जी एक्स इज इक्वल टू सी इंटू एफ एक्स, देन एफ डैश एक्स, मतलब अगर हमारा फंक्शन गिवन है जी एक्स इज इक्वल टू सी ऑफ एफ एक्स, तो अगर हम डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करते हैं तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू सी इंटू एफ डैश ऑफ एक्स, तो दोनों का डिफरेंशिएशन हमारा क्या होगा, इक्वल होगा। उसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं, सपोज वी हैव अ फंक्शन एच एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स, और हमें इसका डिफरेंशिएशन वी हैव टू फाइंड, मतलब वी हैव टू फाइंड एफ डैश ऑफ एक्स, तो हम दोनों का सेपरेटली डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये हमारा होगा एफ डैश ऑफ एक्स प्लस जी डैश ऑफ एक्स, ये होगा। इसी तरह अगर सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन का साइन आ जाएगा। उसके बाद ये हमारा हो गया प्लस का और माइनस का। उसके बाद जो मेन हमारा है वो है मल्टीप्लाई और डिवीजन वाला, उनके फॉर्मूले थोड़े डिफरेंट है। तो सपोज करो कि एच एक्स में हमारा फंक्शन दे रखा है दैट इज इक्वल टू एफ एक्स डॉट जी एक्स, तो यहां आपको फॉर्मूला याद रखना है। मल्टीप्लाई में क्या होता है कि हम दो फंक्शन हमें गिवन है, किसी को भी हम फर्स्ट फंक्शन ले सकते हैं, किसी को भी हम सेकंड फंक्शन ले सकते हैं, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सपोज करो आई एम गोइंग टू टेक दिस वन इज फर्स्ट फंक्शन एंड दिस वन इज सेकंड फंक्शन, तो फॉर्मूला आपको वर्डिंग याद रखनी है, यू हैव टू रिमेंबर द वर्डिंग। तो इफ वी हैव टू फाइंड एफ डैश ऑफ एक्स, तो दैट इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एफ ऑफ एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, मतलब जी डैश ऑफ एक्स प्लस में सेकंड फंक्शन जी ऑफ एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, मतलब एफ ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। इफ यू हैव टू फाइंड प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, तो यहां पे दिस इज कॉल्ड अवर प्रोडक्ट रूल और लैबनीज रूल, इसको हम प्रोडक्ट रूल भी बोलते हैं, लैबनीज रूल भी बोलते हैं। मोस्टली इस जो फॉर्मूले को हम रिमेम्बर करते हैं वो प्रोडक्ट रूल से ही याद रखते हैं। तो यहां हमें क्या याद रखना है कि एक फंक्शन को हमें फर्स्ट लेना है, दूसरे फंक्शन को हमें सेकेंड लेना है। फॉर्मूले में हमारा क्या होगा, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। इसी तरह सपोज करो कि हमें डिवाइड वाला लेना है कि एच एक्स हमारा गिवन है एफ एक्स अपॉन में हमारा क्या है जी एक्स, तो मल्टीप्लाई में हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसको हम फर्स्ट फंक्शन लेते हैं किसको हम सेकेंड फंक्शन लेते हैं, लेकिन डिवाइड में बहुत फर्क पड़ता है कि किसको हम फर्स्ट लेते हैं किसको सेकेंड। डिवाइड में हमेशा एक मेथड होता है, एक एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है कि हमें डिनोमिनेटर में जो भी पार्ट होता है उसको फर्स्ट लेते हैं और न्यूमरेटर वाले पार्ट को सेकेंड फंक्शन लेते हैं। तो हमेशा क्या होता है डिनोमिनेटर वाले को क्या लेंगे फर्स्ट फंक्शन और न्यूमरेटर वाले को हम क्या लेंगे सेकेंड फंक्शन। अब आपको फॉर्मूले की वर्डिंग याद रखनी है कि इफ वी हैव टू फाइंड एफ डैश ऑफ एक्स, तो एफ डैश ऑफ एक्स हमारा क्या होगा फर्स्ट फंक्शन जी एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड एफ डैश ऑफ एक्स माइनस, वहां हमारा प्लस था यहां हमारा क्या आता है माइनस आता है, फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड माइनस सेकेंड एफ ऑफ एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट जी डैश ऑफ एक्स अपॉन में न्यूमरेटर का स्क्वायर होता है, मतलब जी ऑफ एक्स का क्या होता है स्क्वायर होता है। दिस इज स्लाइटली डिफरेंट, ये वाला पार्ट हमारा क्या होता है थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो बेसिकली आपको फॉर्मूला कैसे याद रखना है, फर्स्ट
इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड माइनस सेकेंड इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, और डिनोमिनेटर में हमारा जो भी टर्म्स होती है उसका हम क्या करते हैं, होल स्क्वायर करते हैं. तो दिस इज कॉल्ड अवर डिवाइड रूल. तो ये हमारा मल्टीप्लाई था, ये डिवाइड रूल था, बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि दोनों आपको आगे इवन मतलब लाइक जैसे हमारी टेबल होती है उसी तरह से ये चीजें यूज होंगी. ये बहुत छोटी चीजें हैं आपके लिए, अभी नया है तो थोड़ा बड़ा होगा लेकिन आगे बहुत स्मॉलर स्केल पे ये यूज होंगी. उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मूला है, डेरिवेटिव ऑफ एनी पॉलिनोमियल. कि सपोज करो कि हमारे पास कोई पॉलिनोमियल गिवन है, पॉलिनोमियल जो भी है बेसिकली कुछ अलग नहीं है. सपोज करो वी हैव अ फंक्शन पी ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स की पावर एन प्लस एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस एक्स की पावर एन माइनस टू अपॉन एंड सो ऑन, जो भी हमारा गिवन हो. एंड वी हैव टू फाइंड इसका डिफ्रेंशिएशन. तो हम डिनोट कैसे करेंगे, पी डैश ऑफ एक्स. तो हम क्या करेंगे, पावर को आगे लाएंगे एन इंटू एक्स की पावर, उसमें से पावर में से वन माइनस करेंगे, प्लस पावर को आगे लाए एन माइनस वन और एक्स की पावर फिर से एक माइनस करेंगे. तो एन माइनस वन में से एक और माइनस किया तो कितना हो गया एन माइनस टू, प्लस में पावर को वापस आगे लाएंगे एन माइनस टू इंटू एक्स, एन माइनस टू में से वन माइनस करेंगे तो एक्स की पावर हो गई एन माइनस थ्री. तो बेसिकली एंड सो जो भी होगा, पॉलिनोमियल हमारा बिल्कुल पहले वाले फॉर्मूले की तरह है. बेसिकली कि हमें याद रखना है कि पावर को आगे लाते हैं और फंक्शन की पावर में से एक सब्ट्रैक्ट होता है, वो हमारा डिफरेंशिएशन करने का मेथड होता है. अब इसके ऊपर बेस्ड मैं आपको एक दो क्वेश्चन कराती हूं जितना पॉसिबल होगा, देन यू हैव टू कंप्लीट योर सेकेंड एक्सरसाइज. तो इसमें एग्जाम्पल इजी है, मैं चल रही हूं एक्सरसाइज पे. एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन थर्ड पार्ट, फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 5 फंक्शन डब्ल्यू आर टी एक्स. मतलब डब्ल्यू आर टी तो डब्ल्यू का मतलब होता है विथ, आर का मतलब होता है रेस्पेक्ट और टी का मतलब होता है टू, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स. मतलब हमें एक्स के अकॉर्डिंग उसका डिफरेंशिएशन करना है. तो हमारा फंक्शन क्या गिवन है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस का डी. ये हमारा क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स. मतलब इसको हम सपोज करके चल रहे हैं दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. तो वी हैव टू फाइंड इट्स डिफरेंशिएशन. तो यहां पे हमारा क्या आएगा, एफ डैश ऑफ एक्स. और अगर यहां पे आप इसको एफ एक्स के अकॉर्डिंग डिनोट नहीं करते हो तो वी कैन राइट इट डी वाई बाय डी एक्स ऑफ होल फंक्शन. जो भी हमारा पूरा फंक्शन गिवन होता है वो हमें यहां लिखना पड़ता है, या हम उस फंक्शन को किसके इक्वल लेते हैं, एफ एक्स के इक्वल लेते हैं और उसका फिर हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करते हैं. तो जब यहां हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये वाला पार्ट मैं यूज नहीं कर रही हूं, ऊपर वाला पार्ट यूज कर रही हूं. तो जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, ए तो हमारा एज इट इज रहेगा, एक्स क्यूब का क्या होगा, पावर आगे आई थ्री, एक्स इंटू थ्री माइनस वन, पावर में से वन माइनस हुआ, प्लस में बी इंटू पावर में टू है टू आ गया है इंटू एक्स और टू में से वन माइनस करेंगे, प्लस सी इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन होता है तो वन रखा, और कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है. तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, थ्री ए एक्स की पावर बची टू प्लस में टू बी, यहां से एक्स की पावर बची वन, वन पावर को हम लिखते नहीं है, यहां से हमारा सी इंटू वन तो ये हमारा बचा सी, और जीरो को हम लिखते नहीं है. तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया. अब इसी क्वेश्चन को आप फर्स्ट प्रिंसिपल से करोगे तो थोड़ा लंबा पड़ता है, यहां से डायरेक्टली मेथड से करते हो तो इजी पड़ता है, लेकिन एग्जाम में अगर आपका लिखा हुआ है कि यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल तो आपको उसी मेथड से करना है. और अगर एग्जाम में आपका लिखा हुआ नहीं आता कि आपको कौन से मेथड से करना है तो इट्स नॉट ऑन, मतलब ये कोई कंपल्शन नहीं है कि आप किस मेथड से करो, इट्स ओनली डिपेंड ऑन यू कि आप कौन से मेथड से करते हो.
और अगर कुछ भी लिखा नहीं हुआ होता तो प्रेफर मैं करती हूँ, और बच्चे भी प्रेफर करते हैं कि हम डायरेक्ट मेथड से करें, क्योंकि वो शॉर्ट होता है और जल्दी होता है। तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट जो हम इस एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।